कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हुई और कश्मीर की जो सूरत हाल थी वो पूरी तरह से बदले। बाहरी राज्य के लोग भी कश्मीर पहुंचे और कहीं ना कहीं आतंकवाद की जो छवि कश्मीर की बनाई गई थी वो अब समाप्त हो चुकी है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिश अग्रवाल, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और प्रेजिडेंट हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस लंडन से और प्रेजिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये कश्मीर घाटी जाना चाहते हैं और वहाँ पर नेशनल फ्लैग को होस्ट करना चाहते हैं। सर, आप कश्मीर घाटी जाना चाहते हैं, धारा 370 की समाप्ति हुई, आपके इस विजिट से आपका मेन मकसद क्या है जो आप साबित करना चाहते हैं? जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जब G20 कश्मीर में हो रहा था तो उन्होंने भारत सरकार के इस कदम को तो आपका जो ये विजिट है कश्मीर घाटी का, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि कश्मीर में, श्रीनगर में टोटल पीस है, वहाँ पे किसी भी तरीके का जो फॉरेन एजेंसी से इन्फ्लुएंस कोई भी आदमी नहीं है। और मैं इसीलिए बिना सिक्योरिटी के, हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस ने भी ये क्लियर बता दिया है कि वहाँ बाय रोड मेरा जाने में किसी तरीके का रिस्क नहीं है और वहाँ पर झंडा फहराने में भी किसी तरीके का रिस्क नहीं है। और जब मैं जाऊँगा बिना सिक्योरिटी के और बिना सिक्योरिटी के वहाँ पे झंडा फहराऊँगा और किसी तरीके की कोई वहाँ पर गलत एक्टिविटी नहीं हो रही है। और उस सिचुएशन में जबकि सिंध बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि भारत में जो G20 श्रीनगर में करा जा रहा है वो इलीगल है, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भारत का हिस्सा नहीं है। मेरे जाना, वहाँ इलेक्शन होना और बिना सिक्योरिटी के जाना, वो ये प्रूव करता है कि वहाँ पर टोटल भारत सरकार का वहाँ पर कंट्रोल है, वहाँ के आम जनता, आम सिटीजन भारत के साथ हैं। वो किसी तरीके के जो पहले हमारे युवा जो अनएम्प्लॉयड थे, वो जिनको काम नहीं था, वो फॉरेन एजेंसीज के फाइनेंशियल हेल्प करने के कारण से मिसगाइड जो हो जाते थे, वो आज वहाँ नहीं हैं। वो सारे भारत के मेन स्ट्रीम में जुड़ गए हैं और वो किसी तरीके से भी फॉरेन के जो एलिमेंट है, फॉरेन एजेंसीज के जो एलिमेंट हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ही जो हैं वहाँ पर हम जा रहे हैं। और ये चीज़ उससे क्लियर हो जाती है जब बिना सिक्योरिटी के जाते हैं कि टोटल सिचुएशन ठीक है, मोदी जी का डिसीजन, होम मिनिस्टर का डिसीजन बिल्कुल सही था। जो फोर्सेज ये कहती थी कि अगर किसी तरीके से 370 को छेड़ा गया तो जम्मू कश्मीर ही नहीं, हिंदुस्तान जलेगा, वहाँ पर एक तिल्ली भी नहीं जली। सर, आपको क्या लगता है, आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, ये जो पूरा मैटर था कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स थी उसने अपना रोल जो था वो सही तरीके से नहीं प्ले किया, इसीलिए कश्मीर के हालात इतने खराब थे? देखिए, ये पॉलिटिकल विजडम होती कि किस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करा जाना चाहिए। कई बार सरकारें डर जाती हैं, कई बार सरकार की ये भी पॉलिसी होती है कि अभी इसको ढीला छोड़ दो और अपने आप इनको पनपने दो, ये जो ऐसे एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप के जो आदमी हैं वो आपस में ही लड़के ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हर एक का काम करने का, सरकार का, होम मिनिस्टर का एक अपना अपना तरीका होता है। मिस्टर नरसिम्हा राव जी थे, वो उनका ये था कि चीज़ों को बढ़ने दो, थोड़े दिन में अपने आप ठीक हो जाएंगे। मैंने उनको कई बार कहा कि आप क्यों नहीं एक्शन लेते, तो उन्होंने कहा आदिश थोड़ा देखो, 10 दिन में अपने आप जो हाई हेडलाइंस होती थी अखबार टेलीविज़न की, 10 दिन में वो अपने आप चुप हो जाती। कहते थे कि मेरे को इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं, ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, ये तो आयुर्वेदिक इलाज है। कि अपने आप कुछ चीज़ हैं बाई पासेज ऑफ टाइम, विदाउट अगर उसको हम छेड़ेंगे तो
तो वो झगड़ा बढ़ जाएगा। कश्मीर को लेकर जब पीएम मोदी से आपकी कभी बात हुई तो उनका क्या आगे से व्यू पॉइंट रहता था? उनका ये कि कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, हम जानते हैं कि किस तरीके से इसको संभालना है। जिस वे में कश्मीर को हैंडल किया गया, क्या आपको लगता है कि वो द बेस्ट वे था? दैट इज़ द ओनली वे। वी हैव ट्राइड ऑल द वेज, ऑल गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, दिस इज ए डिजीज सिंस द पार्टीशन, बट दिस इज द ओनली गवर्नमेंट हु कुड ब्रॉट दिस अमेंडमेंट एंड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। दोज पीपल हु यूज टू क्रिएट प्रॉब्लम आफ्टर दिस अमेंडमेंट when they were coming out from their home, they were seeking permission from the our BSF people, CRPF people or the local police, sir kindly allow me to go and take some vegetable. सर, आप इंटरनेशनल काउंसिल के भी आप अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर में इस समय आप हैं, आप कश्मीर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के दो मुख्य जो इस समय डिमांड्स हैं लोगों की, एक ये है कि स्टेटहुड और दूसरा ये है कि यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, इनको लेकर आपका व्यू पॉइंट क्या? देखिए, जैसे मैंने बताया, ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं और गवर्नमेंट को पीस होना एक अलग चीज़ है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में कोई स्टार होते हैं, स्टार वो ख़त्म हो गया पर उसका असर रहता है। हमको जो इनकी डेथ हुई है, क्रीमेशन कर दिया है, परंतु तेरहवीं छमाई बरसी भी होती है, उसमें थोड़ा गुस्सा थोड़ा रहता है। तो मोदी सरकार सही टाइम, मोदी का डिसीजन होता है सही टाइम पर सही डिसीजन, तो वो इलेक्शन होंगे। इस तरीके के एलिमेंट जो ये डिमांड करें कि इमीडिएटली हो, जब इलेक्शन होंगे तो वो ये कहेंगे कि अब इलेक्शन क्यों हो रहे हैं। नहीं, उनका तो ये कहना है कि मोदी सरकार ने ये कहा था कि जब कश्मीर नॉर्मल होगा तो इलेक्शन होंगे, और अगर कश्मीर नॉर्मल है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं जो बात स्टेटमेंट मोदी सरकार की थी वो उसी की विपरीत बात हो रही। वो उनका ये सोचना गलत है। इलेक्शन का नॉर्मल सी एक अलग तरीके की है। हमको क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी चेंज करा गया है, दोबारा बनाई गई है, तो हमको टाइम देना होता है वहाँ के रेजिडेंट्स को भी सोचने का, उनके ऑब्जेक्शंस वगैरह ये सारे आने पर। फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी अपना ये सोचना है मैं किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं इलेक्शन लड़ूं। तो वी कांट होल्ड इलेक्शन इन ए हेस्ट। हमारे को माहौल, आप ये कहो, आप सड़क पे देखते हो कि एकदम लाठी चार्ज हुआ, बिल्कुल ठुक गए, परंतु उनमें थोड़ा सा गुस्सा रहने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब अभी की अभी उनकी गर्दन तोड़ी गई हो और कुछ आदमी बचे हों, तो वो कुछ गड़बड़ ना करें, बिल्कुल अपने आप अकेले रह के उनकी डेथ हो जाए, ये मोदी सरकार वो देखकर जब पता चल जाएगा, जब उनको कि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, डर से नहीं, ये उम्र से भी ख़त्म हो चुके हैं, तब ये इलेक्शन मेरा मानना है कि सरकार कराएगी। आम जनता आज खुश है, मुझे कोई ये नहीं लगा इन पॉलिटिकल। आपकी बातचीत हुई सर किसी स्टेक होल्डर से यहाँ पे? यहाँ जनरल मेरी वकीलों से हुई है, लॉ स्टूडेंट से हुई हैं, टीचर से हुई हैं, टैक्सी ड्राइवर से हुई हैं, हर आदमी आज सेटिस्फाइड हैं विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोदी गवर्नमेंट। थैंक यू। तो देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर में इनके बहुत से लोगों से बातचीत हुई और हर व्यक्ति संतुष्ट है कि जम्मू कश्मीर का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं धारा 370 का हटना बहुत ज़रूरी था, और कश्मीर में बिना सुरक्षा जाकर ये नेशनल फ्लैग को वहाँ पर होस्ट करेंगे लाल चौक में, और ये मैसेज देंगे कि जो भी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कश्मीर के सूरत हाल को लेकर, वो पूरी तरह से गलत है और कश्मीर अब पूरी तरह से सामान्य हो चुका है। नमस्कार।